दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर बैग बनाने के बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस बिजनेस के लिए क्या लाइसेंस लेने होंगे और इस बिजनेस के लिए मशीन और रॉ मटेरियल आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक बैग्स हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं और इन प्लास्टिक बैग्स में तो कई राज्यों में बैन भी लग गया है। तो ऐसे में पेपर बैग बनाने का बिजनेस एक फ़ायदे वाला बिजनेस हो सकता है। पेपर बैग्स देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। बड़े स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स और मॉल्स में तो पेपर बैग्स का प्रयोग काफ़ी समय से हो रहा है। आप इस बिज़नेस को घर से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस के लिए आपको कम से कम 300 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए जान लेते हैं कि पेपर बैग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या बिजनेस रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप अपनी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लें, जैसे कि क्या आप ये बिज़नेस अकेला करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में। उसके बाद आप लोकल अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस ले लें। आपको उद्योग आधार भी इस बिज़नेस के लिए लेना होगा। उद्योग आधार का फ़ायदा ये होता है कि इसकी बदौलत आप सरकार से विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी होता है। पेपर बैग के बिजनेस में रॉ मटेरियल के लिए आपको सफ़ेद और रंगीन पेपर रोल्स, फ्लेक्सो कलर, पॉलीमर स्टीरियो, स्ट्रिंग्स और गोंद की ज़रूरत पड़ती है। इस बिज़नेस के लिए आपको पेपर बैग मेकिंग मशीन खरीदनी होती है, जिसकी मदद से आप कम समय में अच्छे और ज़्यादा पेपर बैग्स बना सकते हैं। बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा, अगर आप मशीन के साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं। अगर आप इन पेपर बैग्स को बिना मशीन के बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसे में आप इस बिज़नेस को बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिना मशीन के इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप ज़्यादा पेपर बैग्स नहीं बना पाएंगे, जो आपको इस बिज़नेस को ग्रो करने में रुकावटें पैदा करेगा। पेपर बैग के साइजेस की बात करें तो ये बैग्स बहुत अलग अलग साइजेस में मार्केट में बिकते हैं। शुरुआत में आप उन्हीं पेपर साइजेस को बनाएं जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होते हैं। चलिए पेपर बैग्स बनाने की प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मशीन की मदद से पेपर को अलग अलग साइजेस में काटा जाता है। प्रेसिंग मशीन से गोंद को पेपर में लगाकर प्रेस किया जाता है। उसके बाद प्रिंटर्स की हेल्प से प्रिंटिंग की जाती है पेपर बैग्स में। पेपर बैग्स में पंचिंग से होल किए जाते हैं और उन होल्स में स्ट्रिंग्स को डाल दिया जाता है मशीन के द्वारा। दोस्तों, ये सब स्टेप्स मशीन ऑटोमेटिकली करती है, तो इस तरह से आपके पेपर बैग्स तैयार हो जाते हैं। चलिए कुछ डेमोस देख लेते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स के, जिनके प्राइजेस इस मशीन से कुछ ज्यादा हैं। मार्केटिंग की बात करें तो आप जो पेपर बैग्स बनाएं वो देखने में सुंदर लगने चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। आप अपने पेपर बैग्स को सेल करने के लिए मॉल्स, गिफ्ट शॉप्स, कपड़ों की दुकानों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक वेबसाइट बना लें। सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक में अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें। ऐसा करने से आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो जाएगी। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पेपर बैग्स बनाते हैं तो आप होलसेलर्स को भी अपने पेपर बैग्स सेल कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया की वेबसाइट में लिस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन पेपर बैग बनाने के बिजनेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.